आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम सुरक्षा सेंध मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मामले की रिपोर्ट पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजी। दिल्ली के बाद राजस्थान के सीएम कोरोना पॉजिटिव। सीएम अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव। सीएम ने खुद को किया होम आइसोलेट। अयोध्या में महसूस किए गए भूकंप के झटके। देर रात 12 बजे आया भूकंप। 4.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। भारत में 150 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा। पीएम आज स्वास्थ्य कर्मियों और लाभार्थियों से करेंगे चर्चा। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। बढ़ते आंकड़ों ने एक बार फिर डराया। 24 घंटे में मिले 1,16,390 नए केस। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। खबर उन्नाव से है, जहां सांसद साक्षी महाराज का पीएम सुरक्षा चूक पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इसमें पंजाब सरकार और खालिस्तानियों की मिली भगत है। अगर कोई भी घटना घटित तो होती तो सारा देश आग के हवाले होता। सारे देश की स्थिति क्या होती और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इसमें पंजाब सरकार और खालिस्तानियों की मिली भगत लग रही है। जिस प्रकार से विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री का काफिला जाता है और उसके साथ वो अवरुद्ध हो जाता है, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा अधिकारी और वहां से लौट के चले आते हैं। बाय चांस अगर कोई भी घटना घटित होती, सारा देश आग के हवाले होता, सारे देश की स्थिति क्या होती। इसलिए मैं भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, इतनी बड़ी चूक की, चाहे वो पंजाब सरकार की चूक है या खालिस्तानियों की साजिश है या पंजाब में कुछ जो उपद्रवी लोग उनकी साजिश है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो कोई भी दोषी हो उनके खिलाफ कठोर। वह एक खबर लखनऊ से है, जहां पंजाब में हुई पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ मशाल यात्रा का आयोजन किया है। मशाल यात्रा का नेतृत्व लखनऊ महानगर अध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह ने किया। यात्रा में मुख्य तौर पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुभव द्विवेदी और महामंत्री हर्षवर्धन सिंह, देवेंद्र पटेल और क्षेत्रीय अध्यक्ष नितिन मित्तल उपस्थित रहे। युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी अभय उपाध्याय ने बताया कि कार्यकर्ताओं में रोष है और उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के विरोध में नारे लगाए। भारत के प्रधानमंत्री का पद किसी पार्टी विशेष का पद नहीं होता है, बल्कि एक संवैधानिक पद होता है। लेकिन कांग्रेस की गंदी राजनीति की मानसिकता के कारण पंजाब सरकार ने जो कृत्य किया उसकी भाजपा युवा मोर्चा घोर निंदा करता है। तो लखनऊ में ये मशाल यात्रा निकाली गई पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर, ये गुस्सा देखने को मिला है। भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ मशाल यात्रा निकाली है, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में भाजपा युवा के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित नजर आए हैं। तो कांग्रेस की बड़ी गलती और कमी बताई जा रही है। पीएम की सुरक्षा में जो सेंध हुई है उसको कांग्रेस की गलती बताया जा रहा है। और युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी अभय उपाध्याय ने बताया कि कार्यकर्ता में रोष है और उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के विरोध में नारे भी लगाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बस्ती जिले के मखौड़ा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास किया। साथ ही साथ इसके अलावा 1,622 करोड़ की लागत से बनने वाले 3 राष्ट्रीय राजमार्ग का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रभु रामचंद्र के आशीर्वाद से मैं यहां आया हूं। आज 5,000 करोड़ की लागत से बन रहे राम वन गमन मार्ग को 258 किलोमीटर लंबा बना रहे हैं। ये मार्ग अयोध्या से चित्रकूट तक जाएगा।
अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ की सड़क बनाई है, यह अभी ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। आज बहुत खुश हूं कि जो राम वनगमन मार्ग जो अयोध्या से चित्रकूट तक हम 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बना रहे हैं, वो 258 किलोमीटर मार्ग, इसके कार्य का आज शुभारंभ हो रहा है। और मैं ये मानता हूं कि ये मार्ग अगर हो रहा है तो इसके पीछे अगर किसी को श्रेय है तो लल्लू सिंह जी और हरीश जी, ये दो सांसदों को है। लगातार मेरे पीछे लगकर, ये नेशनल हाईवे नहीं था, इसका इतिहास इसकी। खबर बलरामपुर से है जहां भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंका। इस दौरान राज्य मंत्री पलटू राम ने भी घटना पर रोष जताया। राज्य मंत्री पलटू राम ने कहा कि हम सिर्फ पंजाब के सीएम ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के इस संपूर्ण कृत्य की घोर निंदा करते हैं। पंजाब के सीएम ने प्रधानमंत्री जी को मारने की साजिश रची थी। मोदी जी को उनसे जान से मारने की जो उनकी नाकाम कोशिश हुई है, आज हम लोग पंजाब सरकार ही नहीं कांग्रेस पार्टी के पूरे जितने भी उनके नेता हैं, हम लोग सब लोग मशाल जुलूस निकाल करके एक पुतला फूंक करके हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि कांग्रेस का यह कुकृत जो है ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। और देश के सभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जानबूझकर चूक की गई है, उनको नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी जी के सर पर भगवान श्री राम और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है, वहीं 130 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद प्राप्त है। जिस तरह से उन्होंने जो काम किया है आज देश ही नहीं। वही खबर रायबरेली से है जहां ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के घर के अंदर खड़ी बाइक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से बाइक धू धू कर जलने लगी। घर के अंदर बाइक से उठती आग की तेज लपटों को देखकर चीख पुकार के साथ ही मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। वहीं घर के मालिक ने किसी तरह गेट खोलकर धू धू कर जलती बाइक को किसी घसीट कर घर से बाहर निकाला और बाइक को घसीटते समय झुलसने के साथ ही गिरकर चोटिल भी हो गया। थाना अध्यक्ष जितेंद्र मोहन सरोज ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। रायबरेली से ये खबर सामने आई है जहां अचानक अज्ञात कारणों के चलते बाइक जलने लगी, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में ही हड़कंप मच गया और किसी तरह व्यक्ति ने गाड़ी को बाहर निकाला और उसमें व्यक्ति भी चोटिल हो गया है और झुलस भी गया है। तो घर के अंदर बाइक में आग लगी है जिससे हड़कंप मच गया घर में भी और पूरे मोहल्ले में भी, जिसके बाद किसी तरह से इस पर काबू पाया गया और पुलिस भी इस पर अब जांच कर रही है। आपको बता दें कि रायबरेली से ये खबर है जहां ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के घर के अंदर खड़ी बाइक में शॉर्ट सर्किट हो गया। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, ये जो बाइक जली है इसमें शॉर्ट सर्किट की बात बताई जा रही है, तो आखिर ये आग कैसे लगी? सिर्फ बाइक में लगी या घर में भी आग लगी? नहीं, ये टेक्निकल मैनेजर है और ये ऑफिस से अपने घर आए थे, घर में बाइक खड़ी कर दी, उसके बाद घर में बैठकर आराम से हाथ मुंह धुलकर चाय पी रहे थे। लेकिन उसी समय जो है पड़ोसियों के चिल्लाने पर जब ये दौड़ कर भागे तो देखा ये पूरी बाइक अपने आप ही जल रही थी। जब से बाइक ना तो स्टार्ट थी और ना बाइक में किसी तरह की हरकत की, गाड़ी खड़ी करे भी आधा घंटा से ज्यादा हो चुका था, लेकिन किस किन कारणों से जो है आग में बाइक लगी हुई है और जो है उसकी तो खैर वो तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है इनको सहना पड़ा। जी, तो क्या ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि किसी ने जानबूझकर बाइक में आग लगा दी है? नहीं नहीं, ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि बाइक जो है गेट के अंदर खड़ी हुई थी, इस वजह से जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होने की पूरी तरह संभावना है। हालांकि जो है आग बुझाते समय जो है टेक्निकल मैनेजर जो थे इनका हाथ भी झुलस गया है और इलाज के दौरान इनको अस्पताल भी लाया गया, अभी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट ही बाइक जलने की वजह बताई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता ओम शंकर जुड़े हुए थे।
वहीं खबर रायबरेली से है, जहां वाजिदपुर गांव में सड़क के किनारे दर्जन से अधिक गौवंशों के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक गौकशी करने वाले अवशेषों को लेकर फरार हो चुके थे, लेकिन सेंट्रो कार वहीं छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर छानबीन की, जिसके बाद पांच में से चार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और पांचवें युवक पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर उसे भी लखनऊ के ककरिया रायपुर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया है। वे तलाशी के दौरान युवक से एक देसी तमंचा और कारतूस बरामद हुई है। तो गौकशी का ये मामला सामने आया है, जहां पे पांच आरोपियों को पकड़ा गया है। हालांकि जब पुलिस को से सूचना मिली तो अवशेष लेकर आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें से चार को पकड़ लिया गया था और पांचवे आरोपी को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा भी पुलिस द्वारा की गई और बाद में लखनऊ से उस आरोपी को भी पकड़ लिया गया। इन आरोपियों के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौकशी का मामला ये सामने आया है। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओमशंकर शुक्ला जुड़ चुके हैं रायबरेली से। ओमशंकर, क्या है पूरा मामला? ये 15 जुलाई की घटना है, जिसमें ग्रामीणों की सूचना पर जो है गोवंशों के मिले थे। हालांकि पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन एक अभियुक्त जो है वो फरार चल रहा था, जिसको पुलिस अधीक्षक ने एक अभियान चलाया है कि जितने भी अवांछित है पूरे जनपद में उनको गिरफ्तार किया जाए। उसी अभियान के तहत ये मुहर्रम अली नाम का एक व्यक्ति है, जिसको देसी तमंचे के साथ तलसुगर पुलिस ने लखनऊ के ककरिया के पास से गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। अगली खबर भी बने रही है, हमें जानकारी देते रहिए ओमशंकर। तो बड़ी सफलता हाथ लगी है रायबरेली पुलिस को, जहां इनामी बदमाश को पकड़ लिया है पुलिस ने। अगली खबर भी रायबरेली से है, जहां शिवगढ़ पुलिस ने अवैध देसी तमंचा और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शिवगढ़ पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। तलाशी में युवक के पास से एक देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुई। पुलिस की पूछताछ के मुताबिक 25 वर्षीय अभियुक्त सकतपुर मजरे बसंतपुर थाना का निवासी है, जिसका नाम राकेश पासी है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है। तो बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को, जहां पुलिस ने वैध देसी तमंचा और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। खबर रायबरेली से है, जहां लगातार पिछले 10 घंटों से बरसात से फसलों पर संकट के बादल मंडराए हुए हैं। बता दें कि जिले के सैलून तहसील की बात करें तो सैलून को आलू का बेल्ट कहा जाता है, जहां मुख्य फसल आलू की होती है, लेकिन बारिश होने से किसानों पर संकट मंडरा रहा है। साथ ही बूंदाबांदी से सामान्य जीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। इधर गलन में भी भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो बरसात में आलू की फसल को नुकसान हो सकता है और इसी का संकट मंडरा रहा है किसानों पर। राम सुनील गौड़, कहाँ के रहने वाले? सलोन के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बारिश से जो मुख्य रूप से यहाँ की खेती है आलू, उस पर क्या फ़र्क होगा, क्या इसे नुकसान होगा? यहाँ के लोगों की मुख्य फसल है आलू, जिससे बेमौसम बारिश का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं दे रही है, जिससे फसल को झुलसा रोग का असर हो सकता है, जिससे व्यक्ति की। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल घटना बल्दीराय थाना क्षेत्र के दहली बाजार इलाके की बताई जा रही है। माइलस्टोन 102 के पास की ये घटना है, जहां लखनऊ से वाराणसी जा रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं सुल्तानपुर जिला अस्पताल लाते समय एक युवक ने दम तोड़ दिया। फिलहाल घायलों में दुर्गेश मिश्रा और लक्ष्मण की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया है।
तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मामला बताया जा रहा है, घायलों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जिसमें से एक घायल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सुल्तानपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर में टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की रास्ते में ही मौत हो गई और अन्य को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जो कि लखनऊ रेफर कर दिया गया है। सुल्तानपुर से हमारे साथ संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या है पूरा मामला, कितने बजे हुआ ये हादसा? जी आपको बता दें, जो है ये लोग स्कॉर्पियो से लखनऊ से आ रहे बनारस जा रहे थे कल शाम को, जो है तो नियंत्रित हो गई जो स्कॉर्पियो और डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें जो है तीन लोग जो है घायल हो गए, तीन लोगों की मौत हो गई मौके पर, और उसमें से जो है एक लोग हॉस्पिटल पहुंचे पहुंचे उसकी मौत हो गई। जी राजीव, क्या सभी की मौत हो चुकी है? नहीं नहीं, दो लोग घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, बाकी चार लोगों की मौत हुई है इसमें। जी, कुल कितने लोग सवार थे इस गाड़ी में जिसका एक्सीडेंट हुआ है? इसमें कुल जो है 6 लोग सवार थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता राजीव जुड़े थे। खबर देवरिया से है, जहां पिपरा चंद्रभान में एक युवक का शव गड्ढे में पड़ा मिला है, जबकि मृतक के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, जिसकी सूचना मिलते ही एसपी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इस दौरान एसपी ने बताया कि मृतक युवक की शनाख्त हो चुकी है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस जनपद के थाना कोतवाली के ग्राम पिपरा चंद्रभान में आज सवेरे एक डेड बॉडी मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर गई, शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस संबंध में घटनास्थल के निरीक्षण पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि यह नवयुवक थाना बरियारपुर के अहिल्यापुर का रहने वाला है। इस संबंध में अन्य विधिक कार्रवाई कर। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।